गाइज, वॉर्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माई चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमणि। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, राइट? सो हम जल्दी से जानने की कोशिश करेंगे उनकी फीलिंग्स एंड इमोशंस इस वक्त में क्या हैं फॉर यू, क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज डिवाइन बताइए इस वक्त आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं फॉर यू। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। सो जान लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड का, नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ सोर्ड, द स्टार, ओके, द वर्ल्ड कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द लास्ट वन इज नाइन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी काफी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन काफी ज्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि जो सोर्ड्स के कार्ड्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग को, हमारी इमेजिनेशन को, हमारी सोच विचार को डिपिक्ट करता है। तो यहाँ पर ये भी सोड है, ये भी सोड आ गया हमारे पास, ये भी सोड है एंड देन ये भी सोड आ गया। सो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जैसे वो काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, काफ़ी इंटेंस सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, एंड वो हर एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त में। जैसे वो प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके रिश्ते को फिर से एक नए सिरे से जैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं और बेहतर समझना चाहते हैं, और कुछ चीज़ों पर मुझे लगता है कि आप उनसे क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं, तो वो क्लैरिटी भी जैसे देना चाहते हैं, राइट? सो एक ये चीज़ भी मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ। जैसे वो खुद से आएंगे, क्योंकि ये पर्सन जैसे आके खुद से ये सोर्ड लेकर आया है और ये सारे जो ब्लॉकेजेस हैं उसको क्लियर करेगा, सारी प्रॉब्लम जो भी हैं उसको क्लियर करेगा और क्लैरिटी देगा। तो एक ये चीज़ मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ। दूसरा ये है कि ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि जिस तरीके से भी आप चाहेंगे अब वैसे ही जैसे चीज़ें टर्न आउट होंगी, राइट? क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है जो ये बता रहा है कि आप पावर में है, राइट? जो भी फीमेल इस रीडिंग को देख रही हैं आप काफ़ी पावर में मुझे दिख रहे हो यहाँ पे, एंड मुझे लगता है कि इस पर्सन को भी ये चीज़ कन्वे हो पा रही है कि आप काफ़ी पावर में हैं एंड अब चीज़ें अब आपके हिसाब से ही होंगी अगर इनको आपके साथ रहना है तो, राइट? क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है तो ये पर्सन की जो विश है वो यही है टू बी विद यू, टू स्टे विद यू, टू हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ विद यू, बिकॉज दिस कार्ड शोज विश फुलफिलमेंट, मैनिफेस्टिंग समथिंग और दी अदर। सो यहाँ पर इनकी एनर्जीज के अंदर ये कार्ड निकलने का मतलब यहाँ पर यही है कि ये आप ही को कहीं ना कहीं मांग रहे हैं, और अब ये जैसे इनको ऐसी फीलिंग भी आ रही है स्टार के कार्ड से, जैसे स्टार हमारे लिए अनटेनेबल होता है ना, हम देखते तो हैं सितारे को बट हम छू नहीं सकते, हम पकड़ नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, हम फील नहीं कर सकते, सिर्फ उसको देख कर हम विश कर सकते हैं। तो वैसे ही इनको लगता है कि जैसे आपको पाना अब काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है इनके लिए, ऐसी भी चीज़ है बट ख्वाहिश है यहाँ पे आपको पाने की, आपके लिए चांद सितारे तोड़ कर लेकर आने की, राइट? सो आई नो इट साउंड्स रियली चीजी एंड वेरी फिल्मी, बट यस, ये पर्सन जो है यहाँ पे ऐसा सोच रहे हैं कि आपके लिए सब कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, बट इनको ऐसा भी लगता है कि जब ये एफर्ट्स करते हैं या जब भी ये कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं वो नेगेटिव कैसे टर्न आउट हो जाता है। आई ऑल्सो सी यहाँ पे ये पर्सन आपको पूरे वर्ल्ड, अपना पूरा संसार मानते हैं, अपना पूरा वर्ल्ड मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप हो इनके साथ में तो सब कुछ है इनके पास में, तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ ही एक हैप्पीनेस को फील करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये पूरे संसार से जैसे लड़ जाएंगे टू स्टे विद यू, टू बी विद यू। अगर कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन स्टैंड भी लेंगे और प्रोटेक्शन भी है इनके पास में, ठीक है? तो अगर ये स्टैंड लेंगे तो ऐसा नहीं है कि इनके अगेंस्ट चीज़ें होंगी, इनके हक में ही चीज़ें होंगी, इनके फेवर में ही चीज़ें होंगी, क्योंकि ये कार्ड प्रोटेक्शन को भी दर्शाता है। सो जो भी चीज़ें आपके रिश्ते के अंदर जो भी कुछ ऐसी सिचुएशंस थी या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि पेंडिंग रह गई थी, तो उनका कंप्लीशन भी ये कार्ड दिखा रहा है, क्योंकि ये कार्ड कंप्लीशन भी बताता है, कंप्लीट होंगी आपकी चीज़ें, आपकी सर्कल, आपकी जर्नी, जैसे मुझे आपकी साइकिल पूरी कंप्लीट होते हुए दिख रही है, राइट? जैसे ये एक फेज जो है फिनिश होता हुआ और बहुत खूबसूरती से फिनिश होकर नई जर्नी, जैसे एक नए फेज में आप लोग एंटर होते हुए दिख
रहे हैं, एक दूसरे की तरफ काफ़ी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है, इंक्लिनेशन दिख रहा है, हैप्पीनेस इमोशन कोशेंट आपका बहुत बेहतर होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड ये बताता है, देखिए इस कार्ड को अगर ध्यान से, तो कैसे ये कपल एक दूसरे के अंदर जैसे बिल्कुल खो गया है। तो ऐसी ही एनर्जी है इनकी, खो जाना चाहते हैं। मुझे लगता है आगे आप कुछ दिनों में देखेंगे कि ये पर्सन बिल्कुल ही जैसे आपकी तरफ कम्प्लीटली हो चुके हैं, राइट? क्योंकि कुछ डिसीजंस आपने भी अपने लिए ऐसे लिए हैं, या फिर इस पर्सन की तरफ से भी चेंज मुझे दिख रहा है कि ये एनर्जी काफ़ी खूबसूरती से बदलते हुए दिख रही है। जो भी हमारे पास यहाँ पर देखिए, तीन कार्ड्स मेजर अरकाना से आए हैं और ये काफ़ी बड़े हैवी एनर्जी एज इन काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, राइट? समथिंग बिग इज़ गोना हैपन फॉर यू। सो अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून भी है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ साइकिल था इस पर्सन के साथ। सो यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं या किसी को भी ब्लेम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, इस पर्सन को, खुद को, तो आपको नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं लिखा हुआ था, वो होना ही था। सो स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ, स्टॉप ब्लेमिंग दिस पर्सन फॉर एनीथिंग। जो भी हो रहा है, किसी रीजन से हो रहा है, किसी मकसद से हो रहा है, तो उस चीज़ को बार बार सोचने से अच्छा उसमें जो गलतियाँ आपकी हैं उसको समझ के ठीक कीजिए एंड आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि आपके लिए मुझे कामिक कंप्लीशन भी दिख रहा है, न्यू साइकिल में आप जैसे जाते हुए मुझे दिख रहे हो, हैप्पीनेस मुझे दिख रही है, फुलफिलमेंट जॉय मुझे दिख रही है, आपके कर्मा के गुड रिवॉर्ड्स मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं पर्सन कैसे खुश है, हैप्पी एनर्जी है। वैसे ही आपके लिए मुझे लग रहा है कि हेल्प भी आने वाली है, डिवाइन हेल्प आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है, जो कि आपको इस स्ट्रेसफुल कंडीशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आपको निकालेगी। नेक्स्ट इज नाइन ऑफ सोड्स। नाइन ऑफ सोड्स हमको यहाँ पर ये बता रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी कश्मकश में हैं, स्पेशली रात को काफ़ी इनको सपने आना और काफ़ी एंजाइटी फील हो जाती है कभी कभी। इस पर्सन को घबराहट लगती है, ऐसा लगता है कि जिसे इनको आपसे बात करनी है, दिस पर्सन नीड्स यू, ही वॉन्ट्स और शी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। तो ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, हो सकता है आप रात को काफ़ी बात करते हो, वीडियो कॉल्स करते हो, एक दूसरे के साथ समय बिताते हो, और जब वो नहीं हो रहा है तो इस पर्सन को काफी ज्यादा एंशियसनेस होती भी मुझे दिख रही है। एंड मुझे लगता है कि रात को मे बी दिस पर्सन स्टॉक्स यू अलॉट, और मुझे लगता है इनकी फैमिली हो सकती है, अगर ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, आप मैरिड हैं, या फिर इनको ये डर है कि जैसे कल को आप अगर अनमैरिड हैं तो आपकी शादी हो जाएगी, तो कैसे होगा, और अगर इनकी फैमिली ऑलरेडी है तो फैमिली इशूज की वजह से भी काफी डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हैं। नेक्स्ट इज पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड जो है हमको वो ये बता रहा है कहीं ना कहीं कि ये पर्सन अपना ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, और मुझे आप भी ऐसा दिख रहा है कि आप भी अपने ध्यान हटाने की कोशिश करते हो, बट ना आप हटा पा रहे हो ना ये पर्सन हटा पा रहे हैं। बट यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी मिलेगी, एंड कुछ लव लाइफ से रिलेटेड भी आपके लिए मुझे गुड न्यूज़ मिलती हुई दिख रही है, राइट? कुछ लव लाइफ से रिलेटेड भी आपके लिए गुड न्यूज़ में आती हुई यहाँ पर देख पा रही हूँ। अगेन ये कार्ड भी हमको विश फुलफिलमेंट के बारे में और अबंडेंस का जिक्र कर रहा है, तो कंप्लीशन मुझे बहुत सारी चीज़ों का दिख रहा है, अबंडेंस भी है आपके लिए और डिवाइन हेल्प भी है, एंड ऑल्सो काफ़ी सारी फ्रीडम मैं देख पा रही हूँ। अगर आप कैद फील करते थे, स्टक फील करते थे, ऐसा लगता था कि जैसे मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ खुद के लिए, अपने लिए, यू नो, अपनी वेलबींग के लिए, जो जैसा मैं अपनी लाइफ को इमेजिन करता हूँ उसके लिए, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ आपको ऐसा लगेगा कि बदल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फॉर गुड हो रहा है, राइट? सो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड एवरीथिंग विल बी गुड फॉर यू, ठीक है? तो अभी मुझे फ्रीडम दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि अब डिपेंडेंट नहीं है किसी पर भी, अब डिपेंडेंसी वो आपकी ख़त्म होने वाली है, एंड काफ़ी फ्री महसूस करेंगे अब आप, राइट? ओके, और देख लेते हैं रोमांस एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं, आपको क्या बताना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। राइट, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और सोचकर आप अपने आप को भी ट्रबल करते हैं, और हो सकता है कि सिचुएशन भी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा टाइम अपने साथ बिताइए, बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होके खुद के साथ बिताइए, और मुझे लगता है, या फिर कुछ लोगों के लिए मैसेज भी है कि जैसे आपको और लोगों को साइड पे करके अपने पर्सन के साथ कुछ समय बिताने की ज़रूरत है, और सब चीज़ों को साइड पे कर दीजिए। अगर दैट इज़ नॉट पॉसिबल, सो कुछ लोगों के लिए मैसेज भी है कि खुद के साथ समय बिताना है।
बाहर की जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उनको अपसाइड कर दीजिए. नेक्स्ट इज रोमांटिक फीलिंग. योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग. सो यहाँ पे रिश्ते के अंदर रोमांस मुझे आता हुआ दिख रहा है. इस पर्सन के अंदर रोमांस जागता हुआ दिख रहा है. अगर रिश्ते के अंदर वो एनर्जी ख़त्म हो गई थी तो वो मुझे यहाँ पर काफ़ी रोमांटिक एनर्जी वापस रिवाइव होते हुए दिख रही है. चिल्ड्रन, सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि बच्चों की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं अगर ये पर्सन मैरिड हैं. सो कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है अगर ये पर्सन मैरिड हैं तो बच्चों की वजह से शायद ये कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इस वजह से भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है. हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर. सो अगर आप एक दूसरे से दिल से बात करेंगे, एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी बेटर हो सकती हैं. गेटिंग टू नो ईच अदर, सो ये मैसेज हमको ये बता रहा है कि आपको अपना इनर मोस्ट फीलिंग्स जो हैं, जो ट्रू फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग्स आपकी हैं, वो आपको एक दूसरे के साथ डिस्कस करनी है. उससे आपका बॉन्ड मुझे डीपन होता हुआ दिख रहा है. सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके पर्सन भी हो सकता है काफ़ी कुछ कन्फेस करें आपसे, राइट, कॉलिंग इन योर सोलमेट. सो आप जितना हो सके प्रेयर्स करें, एफर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कैसे आप अपनी अपने पर्सन के साथ अपनी लव लाइफ को देखते हैं. दैट विल ऑल्सो ब्रिंग यू टुगेदर. ओके, सो ये आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं. चलिए और जानने की कोशिश कर लेते हैं इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं. ट्रू फीलिंग्स बताइए प्लीज डिवाइन, इनकी ट्रू फीलिंग्स बताइए क्या हैं इस वक्त, क्या ट्रू फीलिंग्स हैं इनकी. फॉर माय व्यूअर्स, क्या फील कर रहे हैं जो भी लोग इस रीडिंग से कनेक्टेड हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके पर्सन की तरफ से क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन. कंट्रोल, न्यू वाइटलिटी एंड द लास्ट इज जॉय एंड स्टेबिलिटी. बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास नर्चर. गाइज यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद उन्होंने पहले आपको बहुत कंट्रोल किया, बट अब शायद उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है कि आप उनसे कंट्रोल में उनके नहीं आ रहे हो. हो सकता है आप अपनी बात रख रहे हो, अपने आप को आगे रख रहे हो, अपने बारे में भी सोच रहे हो और किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं दिखा रहे हो, राइट. सो इस चीज़ से भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है. एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये एक्सप्रेस करेंगे उस फीलिंग्स को तो चीज़ें गलत ना हो जाएं इनके लिए और इस रिश्ते में, राइट. सो एक ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ. बट ये कहीं ना कहीं से आपको स्पाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से जानने की कोशिश कर रहे हैं. इनके पास सारी अपडेट्स हो सकती हैं आपकी कि आप क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में. तो ये सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ. बट कहीं ना कहीं अपने मन में उस फीलिंग को दबा कर रखे हुए हैं, अभी अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं. सो रिश्ता अगेन मुझे यहाँ पे रिवाइव होता हुआ दिख रहा है. बहुत सारे कलर्स ऐड होते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर. मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स आपके लिए मुझे आती हुई दिख रही हैं. खूब सारा अबंडेंस दिख रहा है, जैसे चीज़ें फिर से शुरू होंगी और वो जैसे जैसे एकदम वाइट प्लेन ब्लैंक पेपर के ऊपर आप कलर्स डाल दो ना तो कितनी खूबसूरती दिखाता है. वैसे ही आपके रिलेशनशिप के अंदर मुझे रिवाइवल तो दिख ही रहा है और खूबसूरती भी आपके रिश्ते के अंदर मुझे आती हुई फिर से दिख रही है, राइट. खूब सारा अबंडेंस एंड खूब सारी सक्सेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ. तो रिश्ता फिर से जैसे शुरू होगा एंड ज़रा से ही एफर्ट्स करने पे सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी. जॉय एंड स्टेबिलिटी अगेन यहाँ पर हमको कंफर्म कर रहा है कि रिश्ते के अंदर वो सारी हैप्पीनेस और कमिटमेंट आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही है. सो हैप्पीनेस भी है, कमिटमेंट भी है, राइट. बहुत समय से अगर सोच रहे थे कि ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी, कमिटमेंट इश्यूज थे या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थी, तो वो यहाँ पर मुझे अगेन बैलेंस होते हुए दिख रही है क्योंकि ये पर्सन अब करना चाहते हैं आपके साथ, सारी चीज़ें सेटल स्टेबल करना चाहते हैं और हैप्पीनेस चाहते हैं क्योंकि इतना सब अप एंड डाउन हो चुका है आपके रिलेशनशिप के अंदर. क्योंकि अब ये पर्सन चाह रहे हैं कि एक ये रिश्ता एक पेस पे चले. बार बार अच्छा, कभी बुरा, कभी ऐसे वैसे, ये सब नहीं होना चाहिए. अब चीज़ें स्टेबलाइज हो जानी चाहिए क्योंकि अब ये खुद भी थक गए हैं ये सब करके. सो ये भी एक हैप्पी न्यूज़ है बहुत सारे लोगों के लिए. अगेन नर्चर भी है. सो मुझे अबंडेंस अगेन यहाँ पर बताया जा रहा है आपके लिए कि जैसे फिर से, जैसे होता है ना, ड्राई हो जाती हैं आपकी प्लांट्स में, आप देखते हैं लीव्स एकदम ड्राई हो जाती हैं फिर एकदम से वो खिल उठती हैं. कुछ फूल जैसे मुरझा गए और वो खिल जाएं, तो वैसी एनर्जी इस कार्ड की कि सब खत्म होकर भी फिर से जैसे शुरू हो जाएगा और ये चीज़ आपकी सोल को भी बहुत सेटिस्फाई करने वाली है. सो वेरी गुड एंड पॉजिटिव मैसेज फॉर यू ऑल, राइट. सो अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से कुछ
लव मैसेजेस हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस, राइट। अगर आपने इस रीडिंग को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या है आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस, उनके दिल में क्या चल रहा है, डिवाइन प्लीज बताइए। आई नीड 5 मैसेजेस फ्रॉम दिस डेक, थैंक यू। I am losing my mind, I think about you all the time. So ये person कहीं ना कहीं आपके बारे में ही, जैसे मैंने बोला, दिन रात सोच रहे हैं, जैसे मैंने reading की शुरुआत में ही कहा था। इनको बहुत डर भी है और घबराए हुए भी हैं कि आगे क्या होगा उस चीज़ को सोचकर, पर ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। I made the wrong choice, I know it and I regret it now. इन्होंने कुछ गलतियाँ करी हैं जिसको ये regret कर रहे हैं और ये इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। अगेन आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, सो जल्द ही आपको इस पर्सन की तरफ से मैसेज या कॉल आ सकता है। आई नेवर न्यू वॉट लव इज अनटिल आई फेल्ट इट विद यू। सो आपने ही इनको प्यार करना सिखाया है, आपने ही प्यार का एहसास इनको दिया है एंड ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, राइट। सो एक ये चीज़ भी यहाँ पर है और अब मुझे लगता है इनको ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है कि प्यार क्या होता है। नेक्स्ट वन इज़ विदाउट यू आई एम एज गुड एज नथिंग, तो आपके बगैर ये कुछ नहीं है, ये भी चीज़ ये समझ पा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में यू आर द वन दैट मेक्स माई हार्ट बीट फास्टर, यू आर द वन हु मेक्स मी फील पीस इन क्योर। डेफिनेटली ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं समझ पाते हैं कि अगर आप हैं तो कितनी भी मुश्किलें हों, कितनी भी सैडनेस हो, कितना भी स्ट्रेस हो, कितनी भी स्टक सिचुएशन हो, ये पर्सन उससे निकल जाते हैं, क्योंकि आपका आपका होना ही इनके लिए सब कुछ है, आपका इनकी ज़िंदगी में होना ही इनके लिए सब कुछ है। सो वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, मे गॉड ब्लेस यू ऑल जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। जल्द ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन लाइफ। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ में। जिन भी लोगों को इसकी ज़रूरत है ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो पाए। एंड आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग। ये भी आप कॉमेंट कर सकते हैं टू क्लेम द एनर्जीज एंड ज़रूर एंजल्स को ग्रैटिट्यूड दीजिएगा। मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं। जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे, बताना चाहूँगी मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। सो पर्सनल रीडिंग जो भी लोग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, क्रिस्टल्स बुक कराना चाहते हैं, वो दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती है अगली रीडिंग में, बाय बाय।